अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीजन 3 की एपिसोड 17 में आपको दिखाया जाएगा। इस किस्त में अर्तुरुल दुंदार से कहता है, मेरे जाने के बाद कबीले की रहनुमाई तुम करोगे, अगर मुझे कुछ हो गया। दुंदार उसकी बात काटते हुए कहता है, ऐसा मत कहें भाई, आपके बगैर हम क्या करेंगे। अर्तुरुल कहता है, सुलेमान शाह के बेटे दुंदार, एक सरदार कभी खौफजदा नहीं होता, वो अपने कबीले की हिफाजत करता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। दुंदार कहता है, भाई हमारे बारे में परेशान मत हो। फिर अर्तुरुल बाहर मरकजी खेमे में आ जाता है। जानदार कहता है, हमने चीजों को बेहतर करने की कोशिश की और अब ये लानत हमारे ऊपर आ पड़ी है। फिर अलियार कहता है, अर्तुरुल भाई आपके पास लाजमी कोई ना कोई मंसूबा होगा, हमें भी उसमें शामिल कर लें। अर्तुरुल कहता है, वो बहुत घटिया लोग हैं, वो सोने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अकेला आऊं, इसके अलावा मुझे उनके असल ठिकाने का भी नहीं पता। अलियार कहता है, कल मैं बाजार जाऊँगा और उस कमीने के बारे में सबसे पूछूंगा कि वो कहाँ छुप सकता है। फिर जानदार कहता है, आपने मेरी बेटी और अपनी बीवी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतने में जानदार का सिपाही कुतलू जा सोना लेकर वहां पहुंच जाता है और 1000 सिक्कों का बैग उनके सामने रख देता है। फिर जानदार कहता है, अब मुझे इजाजत दीजिए। फिर सब खड़े हो जाते हैं। जानदार कहता है, अर्तुरुल अल्लाह आपकी मदद फरमाए, ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुरुल कहता है, उराल क्यों गायब है और वो कोनिया में क्या कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे दुंदार। दूसरी तरफ बामसी और कुछ सिपाही दुआन के खेमे में जाकर उसकी खैरियत मालूम करते हैं। इस दौरान बामसी सबका हौसला बढ़ाने के लिए एक पुराना वाकया सुनाता है जिसे सुनकर सब पुरजोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को कहता है, अर्तुरुल बहुत खतरनाक आदमी है और वो बेवकूफ नहीं है, वो कल अकेला आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम एहतियाती तदबीर करेंगे। फिर वो एक आदमी को कहता है, तुम 4 आदमियों को लेकर अबू जब के मकाम पर अर्तुरुल का इंतजार करोगे, बाकी सब सिपाही छुप जाएंगे, अगर वो अकेला नहीं आता तो सबको मार देना और इन औरतों को भी मार देना। दूसरी तरफ पैत्रोस कहता है, हम उनकी बातें नहीं सुन सके लेकिन उन्होंने ये सब काम मिलकर किया है। सिमन कहता है, जैसा मेरा अंदाजा था इसके पीछे भी उराल निकला। मारिया कहती है, इसका मतलब है उराल अमादा से हमारी जासूसी करवा रहा था, मैं उससे इसका हिसाब लूंगी। फिलिप कहता है, बहुत ज्यादा खून बहने वाला है। मारिया कहती है, जब अर्तुरुल को यह पता लगेगा तो वो उराल को मारने की कोशिश करेगा, जब हम अमादा को अर्तुरुल के हवाले करेंगे बाकी काम आसान हो जाएगा। फिर सिमन पेत्रोस को कहता है, तुम अमादा की दुकान पर नजर रखो, उराल वहाँ जरूर आएगा। फिर सिमन फिलिप से कहता है, हम तुर्गुत पर एतमाद कर सकते हैं, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, उसको तंग मत करना। यह सुनकर मारिया खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने कमरे में नमाज अदा करता है और अल्लाह से दुआ मांगता है, या अल्लाह हमारे कबीले और हमारे सरदार की हिफाजत फरमा, कुंदूज को जिंदगी अता फरमा और हलीमा सुल्तान को सही सलामत कबीले पहुँचा दे। इतने में मारिया अंदर दाखिल होती है तो तुर्गुत अपनी दुआ तब्दील कर देता है और कहता है, या अल्लाह मुझे मेरे सिपाहियों का बदला लेने की हिम्मत अता फरमा। दूसरी तरफ अर्तुरुल दुआन के पास पहुंचता है। दुआन कहता है, भाई मैंने कारा जैसर के बारे में मालूमात हाजिर कर ली है, सब रास्तों के बारे में पता लगवा लिया है और ये भी पता लगवा लिया है मुहाफिज कहाँ कहाँ खड़े होते हैं। अर्तुरुल कहता है, दुआन तुमने हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, ये वक्त आने पर मालूमात बहुत ज्यादा काम आएंगी। फिर बामसी कहता है, कल हम आपको उन डाकुओं के पास अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। अर्तुरुल कहता है, अल्लाह हमारे साथ है बामसी। फिर बामसी से गले मिलकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उराल अमादा की दुकान पर पहुंचता है, उसे पकड़कर पर्दे के पीछे ले जाता है। इस दौरान सिमन का आदमी पेत्रोस भी उसे देख रहा था। अंदर उराल
अमांदा से पूछता है क्या फ्रांसिस को आया था। अमांदा कहती है हाँ, उसने असलाहान और हलीमा को अगवा कर लिया है और अर्तरोल को तुम्हारा पैगाम भी दे दिया है, अगर तुमने 1000 सोने के सिक्के ना लाए तो मैं असलाहान और हलीमा सुल्तान को मार दूंगा। और आल कहता है बहुत अच्छे, अर्तरोल के पास इतना सोना नहीं है, वो जाकर लड़ाई करेगा या फिर मेरा बाबा उसे 1000 सिक्के दे देगा। अमांदा कहती है जो भी हो वो फ्रांसिस्को के जाल में जरूर फंसेगा। फ्रांसिस्को के जंजू बहुत मजबूत हैं, वो सलेबियों के साथ भी लड़ चुके हैं, लेकिन एक मसला हो गया है, फ्रांसिस्को काम की डबल रकम मांग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जान लो, अगर उसे पता लग गया कि इसके पीछे मैं हूँ तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अमांदा कहती है आप परेशान मत हो, उसे पता नहीं चलेगा। फिर ओराल कहता है मैं अर्तरुल की बीवी और अपनी बहन को डाकुओं से बचाने जा रहा हूँ। अमांदा कहती है क्या मतलब है आपका? ओराल कहता है ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ अर्तरुल नमाज अदा करता है और दुआ मांगता है, या रब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ, इस फितने से मुझे बचा ले, मैं जानता हूँ कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, मुझे अपनी बीवी को उन जालिम डाकुओं से बचाने में मदद अता फरमा, दुश्मन के ऊपर मुझे फतह अता फरमा, आमीन। इसके बाद अर्तरुल अपने बेटे गुंदूस के पास बैठ जाता है, अचानक उसकी आंख लग जाती है। अचानक इब्नुल अरबी उनकी ख्वाब में आ जाते हैं और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। फिर अर्तरुल की आंख दोबारा खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद सुबह हो जाती है, अर्तरुल जाने की तैयारी करता है, फिर वो गुंदूस के पास बैठ जाता है। इतने में हाइमा खातून भी आ जाती है। अर्तरुल कहता है अल्लाह तुम्हें जल्द से अजियाब करे गुंदूस। फिर वो उसे बोसा देता है और खड़ा होकर सिक्कों वाला बैग उठा लेता है। फिर अपनी वालदा से कहता है मुझे दुआएं दे वालदा। फिर हाइमा खातून उसे गले मिलकर कहती है अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटा, अल्लाह तुम्हें शैतानी नजरों से दूर रखे और अल्लाह के हुक्म से जल्द वापस आओ। अर्तरुल कहता है आमीन, फिर अपनी तलवार उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को हलीमा और असलाहान के पास खड़ा होकर कहता है काई और जावेदार कबीले की औरतों की मदद से आज मजीद 1000 सिक्के मेरे पास आ जाएंगे। असलाहान कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम उन सिक्कों को खर्च कर पाओगे? मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सोने के लिए कुछ भी किया, लेकिन सोना मिलने के बाद वो एक सिक्के को भी छुए बगैर मर गए। फ्रांसिस्को कहता है मैं अर्तरुल के दिए हुए सिक्कों से एक बादशाह जैसी जिंदगी गुजारूंगा। हलीमा कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अर्तरुल ऐसा करने देगा? फ्रांसिस्को कहता है हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि अर्तरुल एक जाल की तरफ आ रहा है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकेगा। बेवकूफ तुर्क, उसे लगता है मैं सोना लेने के बाद सबको जाने दूंगा, लेकिन तुम सब मारे जाओगे। हलीमा गुस्से से उसकी तरफ थूकती है। फिर वो दोनों रस्सी खोलने की कोशिश करने लगती हैं। दूसरी तरफ अर्तरुल उनकी तरफ रवाना हो जाता है और दिल में कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं एक पाक जिम्मेदारी पर हूँ, अगर मैं इस रास्ते से हटूं तो अपने ही तलवार से ज़बह हो जाऊं। सफ़र हमारे हाथ में है और फतह अल्लाह के हाथ में। दूसरी तरफ अलियार खाली बाजार में पहुंच गया था। इतने में कुतलू जा उसके पास आकर कहता है अलियार साहब मैंने सब लोगों से इस बारे में पूछने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। अलियार कहता है तुम वापस कबीले चले जाओ। फिर अलियार दिल में दुआ मांगता है या अल्लाह इस हकीकत को हमारे सामने खोल दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। इतने में अमांदा उसके रास्ते में आकर कहती है मैंने सुना है जो हुआ है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अलियार पूछता है क्या बताना चाहती हो? अमांदा कहती है मैं जानती हूँ उनको किसने अगवा किया होगा। जिसने उनको अगवा किया है उसका नाम फ्रांसिस्को है, वो इस बाजार में बहुत कम आता है क्योंकि सिमन के साथ उसकी सख्त दुश्मनी है। अलियार कहता है लेकिन इस बात का हमारी औरतों से क्या ताल्लुक है? इस तरफ ओराल एक तरफ छुप कर ये सब कुछ देख कर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसी ने अमांदा को अलियार से बात करने को कहा था। अमांदा कहती है जिस दिन आपकी कालीनों की दुकान शुरू हुई थी उसी दिन फ्रांसिस्को मुझे मिला था, उसने हलीमा और असलाहान के बारे में मुझसे बहुत से सवाल पूछे थे, मैं डर गई थी और वापस अपनी दुकान पर आ गई थी। अलियार पूछता है वो मुझे कहाँ मिल सकता है? अमांदा कहती है उसका साथी कभी कभी मेरी दुकान पर आता है, उससे मैंने सुना है उनका ठिकाना निकोलस के मुकाम पर है। यह सुनकर अलियार फौरन अपने घोड़े की तरफ चला जाता है। ओराल भी अलियार के सामने आकर कहता है खैर है अलियार, क्या जल्दी है? अलियार कहता है भाई हमारी औरतों को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। ओराल हैरान होकर कहता है
ये क्या कह रहे हो तुम? अलियार कहता है, असलाहान बाजी और हलीमा सुल्तान अगवा हो गई थी, लेकिन मुझे उन डाकुओं के ठिकाने का पता लग गया है। हमें जल्द वहाँ जाना होगा भाई। अर्तुरुल उनको बचाने के लिए तवान की रकम लेकर अकेला चला गया है। उराल कहता है, ठीक है फिर हम इकट्ठे चलते हैं। और यहाँ इस किस्त का अख्तितम हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।